गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम दुबरिया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 PLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम BA फाइनल ईयर हिस्ट्री पर आधुनिक भारत का इतिहास, हिस्ट्री प्लस आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है आंगल मैसूर संघर्ष। आंगल मैसूर संघर्ष इसके अंतर्गत कल हमने प्रथम एवं द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध के कारण और परिणामों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज के इस वीडियो में हम तृतीय आंगल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध के कारणों और परिणामों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने प्रथम और द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। हैदर अली जो कि 1766 ईस्वी में मैसूर का एक स्वतंत्र शासक बनता है, मैसूर के शासक हैदर अली की स्वतंत्रता अंग्रेजों को सहन नहीं हो पाती और इसके परिणाम स्वरूप हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। परिणाम स्वरूप प्रथम एवं द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध लड़ा जाता है। प्रथम आंगल मैसूर युद्ध 1767-68 से 69 ईस्वी में लड़ा गया था, जबकि द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच लड़ा गया था। तृतीय आंगल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी के बीच लड़ा गया था, जबकि चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में लड़ा गया था। प्रथम एवं द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध अंग्रेजों व हैदर अली के बीच हुआ था। तृतीय एवं चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध अंग्रेजों व हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान के मध्य लड़ा गया था। प्रथम आंगल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से 69 ईस्वी के बीच लड़ा गया था, अंग्रेजों व हैदर अली के मध्य प्रथम आंगल मैसूर युद्ध शुरू हुआ था। चूंकि प्रारंभ में प्रथम आंगल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को विजय मिली थी, लेकिन शीघ्र ही हैदर अली की सेनाएं तेजी से आगे बढ़ी और मद्रास पहुंच गई। अंत में अंग्रेजों की हार होती है और उन्हें मद्रास की संधि करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। प्रारंभ में चूंकि अंग्रेजों की स्थिति मजबूत रहती है, क्योंकि अंग्रेज जो निजाम और मराठों को अपने पक्ष में कर लेते हैं, परंतु शीघ्र ही हैदर अली कूटनीतिक योग्यता का परिचय देते हुए मराठों और निजाम को अपने पक्ष में कर लेता है और अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष छिड़ जाता है। अंत में मद्रास की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त होता है और इस प्रकार मद्रास की संधि के अंतर्गत दोनों हैदर अली और अंग्रेज दोनों ही एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को वापस लौटा देते हैं। अंग्रेज बाहरी आक्रमण से मैसूर राज्य की रक्षा का वचन देते हैं। मद्रास की संधि के साथ ही प्रथम आंगल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। फिर इसके बाद द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध लड़ा जाता है। इस द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध से पूर्व अंग्रेज निजाम व मराठों को अपने पक्ष में कर लेते हैं। 1771 ईस्वी में मराठे जो कि मैसूर राज्य पर आक्रमण कर देते हैं। संधि समझौते के अनुसार, मद्रास की संधि के अनुसार अंग्रेज अपने वचन का पालन नहीं करते। इसके परिणाम स्वरूप हैदर अली अंग्रेजों से नाराज हो जाता है, क्योंकि अंग्रेज मराठों के विरुद्ध
उसे सहायता प्रदान नहीं करते हैं। परिणाम इसके अलावा हैदर अली ने फ्रांसीसी अधिकारियों को जो बंदरगाह दिए थे, अंग्रेजों ने एक एक करके उस पर अपना अधिकार स्थापित करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण हैदर अली अंग्रेजों से नाराज हो गया था। इसके परिणाम स्वरूप 1780 से 84 के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा जाता है। यह युद्ध अंग्रेजों व हैदर अली के बीच होता है। इस युद्ध में हैदर अली अंग्रेजी सेना के छक्के छुड़ा देता है, परंतु पोर्ट नेवा के युद्ध में हैदर अली की अचानक मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चलता है 1784 ईस्वी तक। अंत में यह युद्ध मंगलोर की संधि के साथ समाप्त हो जाता है। तो 1780 से 1784 ईस्वी तक अंग्रेजों व हैदर अली के मध्य द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा जाता है। यद्यपि इस युद्ध में भी हैदर अली को ही सफलता मिलती है, किंतु इस युद्ध के पश्चात युद्ध शिविर में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। पोर्टनेवा के युद्ध में वह मारा जाता है। इसके पश्चात उसके पुत्र टीपू सुल्तान के द्वारा यह युद्ध जारी रखा जाता है और 1784 ईस्वी में दोनों पक्षों के बीच मंगलोर की संधि संपन्न होती है। इस संधि के अनुसार अंग्रेज वचन देते हैं कि वे भविष्य में भी मैसूर राज्य के मामलों में आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तथा एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को वापस कर दिया जाता है। तो इस प्रकार मंगलोर की संधि के साथ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा जाता है 1790 से 92 ईस्वी के बीच। 1790 से 92 ईस्वी के बीच अंग्रेजों में हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान के मध्य तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं तृतीय एवं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की पृष्ठभूमि, इसके प्रमुख कारक एवं परिणाम क्या रहे थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध आरंभ करने से पूर्व आइए पहले हम देखते हैं टीपू सुल्तान, जो कि हैदर अली का पुत्र था, इसकी प्रारंभिक जीवन और अंग्रेजों के साथ इनके जो तनावपूर्ण संबंध बने उसकी क्या पृष्ठभूमि रही, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। टीपू सुल्तान जो कि हैदर अली का पुत्र था, जिसका जन्म 1749 ईस्वी में हुआ था, वह शिक्षित था। उसने हैदर अली के साथ अनेक सैनिक अभियानों में भाग लिया था। 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की पोर्टनेवा के युद्ध में मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु के पश्चात मैसूर का शासक उसका पुत्र टीपू सुल्तान बनता है। जब टीपू मैसूर का शासक बना, उस समय दक्षिण भारत की राजनैतिक स्थिति काफ़ी जटिल थी। मराठे और निजाम दोनों ही मैसूर राज्य के प्रदेशों पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहते थे। यही कारण है कि ऐसी स्थिति में अंग्रेजों को भी मैसूर राज्य की राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर मिल जाता है। इस पर टीपू सुल्तान विस्तारवादी नीति अपनाने का निश्चय कर लेता है। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों व टीपू सुल्तान के मध्य संबंध बिगड़ने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच लड़ा जाता है। टीपू व अंग्रेज। टीपू जो कि एक महत्वाकांक्षी शासक था, वह अंग्रेजों को अपना प्रबल शत्रु मानता था। यद्यपि 1784 ईस्वी में मंगलोर की संधि के अनुसार टीपू सुल्तान व अंग्रेजों के मध्य शांति स्थापित हो गई थी, लेकिन शीघ्र ही दोनों पक्षों के बीच मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और दोनों ही पक्ष युद्ध में कूद पड़ते हैं।
परिणाम स्वरूप 1790 से बाद में ईस्वी में तृतीय अंगद मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान व अंग्रेजों के मध्य लड़ा जाता है। इस युद्ध के कारण कुछ इस प्रकार से कहे थे। नंबर एक है एक दूसरे के प्रति घृणा। टीपू सुल्तान अपने पिता हैदर अली की भांति अंग्रेजों से घृणा करता था। वह मैसूर राज्य की राजनीति में अंग्रेजों का हस्तक्षेप स्वीकार करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वह अंग्रेज भी टीपू सुल्तान से घृणा करते थे। वे दक्षिण में टीपू की बढ़ती हुई शक्ति को सहन करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। अतः अंग्रेज टीपू सुल्तान की शक्ति का दमन कर देना चाहते थे। अतः दोनों पक्षों के बीच संघर्ष होना अनिवार्य था। इस प्रकार दोनों ही पक्ष एक दूसरे से घृणा करते थे और एक दूसरे की शक्ति को कुचल देना चाहते थे। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि दक्षिण में मैसूर राज्य की शक्ति का विस्तार हो। अतः टीपू सुल्तान की बढ़ती हुई शक्ति से अंग्रेज काफ़ी चिंतित हुए। अतः उन्होंने टीपू की शक्ति को कुचलने का निश्चय कर लिया था। नंबर दो है टीपू द्वारा विदेशी शक्तियों से सहायता प्राप्त करना। टीपू द्वारा विदेशी शक्तियों से सहायता प्राप्त करना। टीपू सुल्तान विदेशी शक्तियों के सहयोग से अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल देना चाहता था। अतः उसने अंग्रेजों के विरुद्ध विदेशी शक्तियों से सहायता लेने का निश्चय किया। 1786 ईस्वी में गुलाम अली खां के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल टीपू सुल्तान ने फ्रांस भेजा, जिससे अंग्रेज काफ़ी चिंतित हुए और उन्होंने टीपू सुल्तान की शक्ति को कुचलने का निश्चय कर लिया था। टीपू की अंग्रेज विरोधी नीति से अंग्रेज समझ गए कि टीपू सुल्तान विदेशी शक्तियों के सहयोग से उनकी शक्ति नष्ट कर देना चाहता है। इस कारण टीपू सुल्तान व अंग्रेजों के मध्य संबंधों में तनाव उत्पन्न हुआ तथा दोनों पक्षों के बीच संघर्ष की स्थिति अनिवार्य बन गई। नेक्स्ट है काल बारिश की महत्वाकांक्षा। काल बारिश की महत्वाकांक्षा इस समय तृतीय अंगद मैसूर युद्ध के समय गवर्नर कार्नवालिस था, जबकि द्वितीय अंगद मैसूर युद्ध के समय गवर्नर हेस्टिंग्स रहा था। लॉर्ड कार्नवालिस एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था जो टीपू से संघर्ष अनिवार्य मानता था। उसने अनुभव किया कि दक्षिण में अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए परिस्थितियां
अनुकूल बनी हुई है, अर्थात निजाम और मराठे दोनों ही मैसूर राज्य के शत्रु हैं। उस समय मराठे और निजाम दोनों ही टीपू सुल्तान की शक्ति को कुचल देना चाहते थे। अतः लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मराठों और निजाम के सहयोग से टीपू की शक्ति को कुचलने का निश्चय कर लिया था। इस प्रकार लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि तत्कालीन गवर्नर थे, वह टीपू की शक्ति को कुचलकर ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, क्योंकि इस समय निजाम और मराठे टीपू के शत्रु बने हुए थे। इसी स्थिति का लाभ उठाकर लॉर्ड कॉर्नवालिस टीपू सुल्तान की शक्ति को कुचल देना चाहता था। चार नंबर है गुंटूर पर टीपू का अधिकार। गुंडूर पर टीपू का अधिकार। टीपू सुल्तान ने अपनी शक्ति में वृद्धि करने के लिए पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। उसने हैदराबाद पर आक्रमण कर गुंडूर पर अधिकार कर लिया था। इस पर हैदराबाद के निजाम ने कॉर्नवालिस से टीपू के विरुद्ध सैनिक सहायता की अपील की। 7 जुलाई 1789 ईस्वी को कॉर्नवालिस ने निजाम को सूचित करते हुए कहा कि कंपनी उस शर्त पर सैनिक सहायता देने को तैयार है, निजाम अपनी सेना का जो प्रयोग है कंपनी के मित्रों के विरुद्ध नहीं करेगा। कॉर्नवालिस ने जानबूझकर मित्रों की सूची में मैसूर के शासक टीपू सुल्तान का नाम नहीं दिया था। अतः अप्रत्यक्ष रूप से कॉर्नवालिस टीपू के विरुद्ध निजाम को सैनिक सहायता देने के लिए तैयार हो गया था। अतः कॉर्नवालिस के इस कार्य से टीपू सुल्तान काफ़ी नाराज हुआ और उसे विश्वास हो गया कि अंग्रेज उसके विरुद्ध युद्ध करने के लिए अवसर की तलाश में लगे हुए हैं। इस प्रकार टीपू सुल्तान द्वारा गुंटूर पर अधिकार करने के कारण हैदराबाद के निजाम जो शासक था वह नाराज हो गया। अतः हैदराबाद के शासक निजाम ने अंग्रेजों से सैनिक सहायता की अपील की। इस पर अंग्रेजों ने कहा कि कंपनी इस शर्त पर सैनिक सहायता देने को तैयार है कि निजाम अपनी सेना का जो प्रयोग है कंपनी के मित्रों के विरुद्ध नहीं करेगा। अंग्रेजों ने जानबूझकर ही इस सूची में टीपू का नाम नहीं दिया था, तो अप्रत्यक्ष रूप से एक प्रकार से यह टीपू के विरुद्ध एक कार्रवाई थी, जिससे टीपू सुल्तान नाराज हो गया और उसे विश्वास हो गया कि अंग्रेज टीपू के साथ युद्ध करने का अवसर की तलाश में है। अतः इस घटना के कारण टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई तथा दोनों पक्षों के बीच संघर्ष अनिवार्य हो गया था। नेक्स्ट है टीपू द्वारा ट्रावनकोर पर अधिकार। टीपू द्वारा ट्रावनकोर पर अधिकार। ट्रावनकोर का राजा अंग्रेजों का मित्र था। टीपू ट्रावनकोर पर अधिकार कर लेना चाहता था। इसके अलावा सामरिक दृष्टि से भी ट्रावनकोर का काफ़ी महत्व भी था, क्योंकि ट्रावनकोर पर अधिकार करके टीपू सुल्तान समुद्र तक आसानी से पहुंच सकता था तथा फ्रांसीसियों से सैनिक सहायता प्राप्त कर सकता था। अतः 29 दिसंबर 1789 को टीपू ने ट्रावनकोर पर आक्रमण कर दिया।
कार्नवालिस ने 1790 में इसके विरोध में टीपू के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। इस प्रकार द्वितीय मैसूर युद्ध अंग्रेजों व टीपू सुल्तान के मध्य प्रारंभ हुआ, क्योंकि टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया था। त्रावणकोर पर अधिकार करके टीपू सुल्तान समुद्र तक आसानी से पहुंच सकता था और फ्रांसीसियों से सहायता प्राप्त कर सकता था। अतः इसके विरोध में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध 1790 ईस्वी में युद्ध की घोषणा कर दी थी। आइए अब हम देखते हैं तृतीय आंगल मैसूर युद्ध की घटनाएं क्या रही। तो लॉर्ड कार्नवालिस जो कि समय गवर्नर था, ये युद्ध प्रारंभ करने से पूर्व मराठों और निजाम के साथ एक संधि समझौता कर लिया जाता है, जिसके अनुसार निजाम और मराठे दोनों ही अंग्रेजों को सैनिक सहायता देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके पश्चात अप्रैल 1790 में कार्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जून 1790 में कार्नवालिस ने जनरल मिडोज के नेतृत्व में एक सेना मैसूर पर आक्रमण करने के लिए भिजवाई, परंतु टीपू के विरुद्ध उसे कोई सफलता प्राप्त नहीं हो पाई थी। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजी सेना को अनेक स्थानों पर बुरी तरह से पराजित किया, जिससे कार्नवालिस काफी चिंतित हुआ। उसने 22 नवंबर 1790 को डुंडास को एक पत्र लिखा, कहा कि युद्ध की शीघ्र और सफल समाप्ति की मधुर आशा जो है अब कुछ धुंधली होती जा रही है। हम युद्ध खो चुके हैं और हमारे शत्रुओं ने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है। तो इस प्रकार टीपू सुल्तान ने अंग्रेजी सेना का डटकर मुकाबला किया। अतः 1791 में कार्नवालिस स्वयं मद्रास पहुंचकर शासन युद्ध की बागडोर अपने हाथ में लेता है और मार्च 1791 को कार्नवालिस ने बंगलोर पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम की ओर वह पहुंचा। इस पर टीपू ने सफल सैन्य संचालन का परिचय दिया था, परंतु इधर वर्षा प्रारंभ हो जाने के कारण, खाद्य सामग्री की कमी के कारण कार्नवालिस को लौट कर बंगलोर आना पड़ता है। नवंबर 1791 में टीपू ने कोयम्बटूर पर अधिकार कर लिया, लेकिन अब उसकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही थी। शीघ्र ही अंग्रेजों ने टीपू के अनेक दुर्गों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। फरवरी 1792 को कार्नवालिस श्रीरंगपट्टनम पहुंचा, जिससे टीपू की स्थिति इस समय काफ़ी संकटपूर्ण हो गई। विवश होकर टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के साथ एक संधि करने के लिए बाध्य होना पड़ा। परिणाम स्वरूप टीपू व अंग्रेजों के मध्य 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हो गई थी, जिसकी शर्तें निम्नलिखित थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि जिसकी शर्तें निम्नलिखित थी। नंबर एक, टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। टीपू से प्राप्त प्रदेश अंग्रेजों
टीपू से प्राप्त प्रदेश अंग्रेजों हैदराबाद के शासक और मराठों ने आपस में बांट लिए। नंबर दो, टीपू ने युद्ध हजाने के रूप में 30 लाख पौंड अंग्रेजों को देना स्वीकार किया। देना स्वीकार किया था। तीसरी शर्त, टीपू ने अपने दोनों पुत्रों को अंग्रेजों के पास बंधक के रूप में रखना स्वीकार किया। दोनों पुत्रों को अंग्रेजों के पास बंधक के रूप में रखना स्वीकार किया था। चौथी शर्त, टीपू सुल्तान ने कुरक के राजा की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली। पूरक के राजा की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली थी। कालांतर में पूरक के राजा ने अंग्रेजों की अधीनता मान ली थी। इस प्रकार श्रीरंगपट्टम की संधि के अनुसार यह युद्ध समाप्त हो जाता है। आइए अब हम देखते हैं तृतीय आंगल मैसूर युद्ध के क्या परिणाम रहे थे। नंबर एक, तृतीय आंगल मैसूर युद्ध से टीपू की शक्ति और प्रतिष्ठा को प्रबल आघात पहुंचा था। दूसरा परिणाम, इससे मैसूर राज्य की सुरक्षात्मक व्यवस्था जो थी वह भी छिन्न भिन्न हो गई थी। तीसरा परिणाम, इस युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों की शक्ति और प्रभाव क्षेत्र काफ़ी बढ़ गया था। चौथा परिणाम, इस युद्ध के परिणाम स्वरूप मैसूर राज्य की आर्थिक दशा काफ़ी खराब हो गई थी। पांचवा परिणाम, श्रीरंगपट्टम की संधि के परिणाम स्वरूप कुछ समय के लिए शांति अवश्य स्थापित हो गई थी, परंतु यह एक अस्थायी शांति थी। शीघ्र ही टीपू सुल्तान अपनी प्राजा का बदला लेने के लिए सैनिक तैयारियों में जुट गया था। परिणाम स्वरूप 1790 ईस्वी में अंग्रेजों व टीपू सुल्तान के बीच चतुर्थांगल मैसूर युद्ध लड़ा जाता है। चतुर्थांगल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा जाता है और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। तो इसके साथ ही तृतीय आंगल मैसूर युद्ध टॉपिक जो है यही समाप्त होता है। यह युद्ध श्रीरंगपट्टम की संधि के साथ समाप्त हो जाता है। परिस्थितियाँ फिर से बिगड़ती हैं और अंग्रेजों व टीपू सुल्तान के मध्य चतुर्थांगल मैसूर युद्ध लड़ा जाता है। चतुर्थांगल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में लड़ा जाता है।
इसके प्रमुख कारण परिणाम क्या रहे, इसकी जानकारी कल के वीडियो में प्राप्त करेंगे। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।